Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. This is Neerja and today we will sail through one of the most breathtaking landscape of the world. That's Ha Long Bay, Vietnam. So let's get started. यहाँ हमने वन नाइट स्टे की क्रूज बुकिंग की हुई थी. आई विल प्रोवाइड यू द डिटेल ऑफ द क्रूज इन द कैप्शन. यू कैन चेक आउट फॉर द बुकिंग. सो दिस इज़ आवर क्रूज एंड आई विल टेक यू टू माई रूम इन द क्रूज. सो ये हमने क्लुक ऐप से बुक किया था. सो दिस इज़ आवर रूम जो कि बहुत अच्छे से इन्होंने डेकोरेट किया था. दिस इज़ द बैल्कनी. दिस इज़ अ फाइव स्टार क्रूज दैट वी बुक accordingly as per your preference you can choose the cruise option and do the booking. Yeah, aapko swimming kayaking karne milega jo ki ek amazing experience hota hai. वियतनाम लैंड करते ही हमने फर्स्ट हैलोंग बे आ गए थे. हमको भी थोड़ा अपना क्रूज ट्रिप काफ़ी रिलैक्सिंग चाहिए था. सो वी बुक दिस वन. नॉर्मली हैलोंग बे काफ़ी कमर्शलाइज्ड है बट हमको यहाँ पे इतनी पब्लिक नहीं मिली. सो ये हमारा काइंड ऑफ प्राइवेट क्रूज ही हो गया था. सो हमारे पीछे देख रहे हो दैट इज आवर क्रूज. सो इस तरह का लगता है ये. एंड जिसमें दे पिक यू अप फ्रॉम योर होटल. इनकी कुछ टाइमली एक्टिविटीज़ होती है जो आप एंजॉय कर सकते हो. मील्स दे प्रोवाइड यू लाइक वेलकम ड्रिंक. उसके अलावा 3 मेन मील्स होंगे. डे 1 लंच, डिनर, इवनिंग स्नैक्स एंड डे 2 ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग एंड ब्रंच दैट विल बी सर्व्ड अराउंड 12 PM इन द आफ्टरनून. सो मिड ओशियन में हम अभी कायाकिंग कर रहे हैं. इसे पता नहीं ओशियन नहीं बोलना चाहिए आई गेस बिकॉज दिस इज़ एक्चुअली अ साउथ चाइना सी जो कि लाइमस्टोन माउंटेन से घिरा हुआ है. इन पहाड़ों और आइलैंड्स को हमें हमेशा पिक्चर्स एंड वीडियोस में ही देखा था और यहाँ आने से पहले पता नहीं था ये इतना ज़्यादा सुंदर और ख़ास होगा. सो दिस वॉज द प्लेस जहाँ हमने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था. यहाँ आपको क्रूज़ में जकूजी मिलेगा जो आप एंजॉय कर सकते हो. आप देख सकते हो क्रूज़ अभी मूव कर रही है एंड बहुत ही शानदार नज़ारा है. सो हम लोगों का ये ग्रुप टूर था एंड वी वर लाइक 8 एडल्ट्स एंड 3 किड्स. सो दिस इज़ वाई वी बुक दिस क्रूज़ दैट विल एक्ट लाइक अ प्राइवेट क्रूज़ फॉर अस. डेक में शाम को काफ़ी अच्छी लाइटिंग हो गई थी. सनसेट पार्टी होने वाली है अभी. कुछ बैठने की, अच्छे टाइम स्पेंड करने की यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्पेस आपको मिलेगी. सो ये शाम का नज़ारा बहुत अद्भुत है. ये सब आपको डे टूर क्रूज बुकिंग में नहीं मिलेगा. सो इफ़ यू आर प्लानिंग अ ट्रिप टू वियतनाम देन आई वुड रिकमेंड टू गो फॉर एटलीस्ट 1 नाइट क्रूज स्टे ऑप्शन. यहाँ डिनर के बाद कैरो के पार्टीज भी होती है जो आप एंजॉय कर सकते हो. डिनर के बाद दे हैव द ऑप्शन टू डू स्क्विड फिशिंग और अगर लकी हुए तो फिश आ भी जाती है. नेक्स्ट
नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद हमको कुछ एक्टिविटीज करने ले जा रहे थे। हमने लाइफ जैकेट पहन ली और हमें ये स्मॉल बोट में ट्रांसफर कर दिया गया, जहाँ हमें डार्क एंड ब्राइट केव दिखाने ले जा रहे हैं। डार्क एंड लाइट केव इज वन ऑफ द लीस्ट विजिटेड बट मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ ऑल द केव्स टू बी फाउंड इन हेलोंग बे। यहाँ आपको केव हाफ सबमर्ज इन वाटर मिलेगा, सो यू कैन ओनली विजिट इट बाय कायाक और बाय दिस बोट। यू वॉन्ट बी एबल टू वॉक अराउंड द केव। सो दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट एंड यूनिक एक्सपीरियंस वी डिड इन हेलोंग बे। अरे ये देखो मस्त मस्त कोरल्स हैं, ब्यूटीफुल है ना, एकदम क्लीन पानी है, ऐसे फ्लावर जैसे एकदम। बहुत सारे क्रूज आपको पर्ल फार्मिंग स्पॉट ले जाते हैं, टी टॉप आइलैंड लेके जाएंगे जहां आपको कुछ 200 स्टेप्स क्लाइंब करने होंगे, कुछ केव्स होंगे। सो अकॉर्डिंगली यू कैन चूज एंड बुक योर क्रूज ऑप्शन। The caves you will see a sea valley surrounded by magnificent mountains. यहाँ मुझे डॉकी रिवर मेघालय की याद आ गई, वहाँ भी हमने क्रिस्टल क्लियर वाटर में बोट राइड एंजॉय किया था। वापस हम इस बोट में ट्रांसफर हो गए टू गेट बैक टू क्रूज। हियर वी हैड आर लास्ट मील, दैट वाज अ ब्रंच जो हमने एंजॉय किया। ये हमारा फ्रेंड्स ग्रुप टूर है, दिस इज़ आर एनिवर्सरी ट्रिप एक्चुअली। अ जर्नी इज बेस्ट मेजर इन फ्रेंड्स रदर देन माइल्स, और वियतनाम की इस ट्रिप में इस लाइन का एक्चुअल मतलब समझ आया। और ये सब के बाद हेलोंग बे को अलविदा कहने का वक्त आता है, और जब ये टूर ख़त्म होने का टाइम हो रहा था तब लग रहा था कि कुछ देर और होती तो मज़ा आता, आप कितनी भी फ़ोटोज़ और वीडियोस बना लें मेमोरीज़ के लिए, पर यहाँ होने का जो असली एहसास है वो कभी भी पिक्चर्स और वीडियोस नहीं दे पाएंगे।